वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानमंत्री विद्यापीठ महुआ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एज यू नो, आई एम योर साइंस टीचर वत्सल त्रिवेदी। सो आज हम बात करेंगे जो हमारे केमिस्ट्री के सॉर्टिंग वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है, उसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर के पहले क्या देखा था हमने कि कुछ फ्लोट और सिंक मटेरियल के जो एक प्रॉपर्टीज होती है, फ्लोटिंग और सिंकिंग, तो ये दो चीज़ हमने देखी थी। तो फिर से एक बार उसका रिकैप करके आज कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इन प्रीवियस सेशन हमने कुछ बात की थी कि कोई भी मटेरियल अगर पानी के ऊपर तैरता है तो यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट, यानी कि जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, और जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगी, यानी कि पानी के अंदर डूब जाएगी, पानी के अंदर चला जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5.2 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 8। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल प्रिवेंट समवन फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर, अ लॉग ऑफ फूड और अ ह्यूज स्टोन। व्हाई, क्या होगा अगर पानी के अंदर कोई पर्सन वुड और स्टोन अंदर थ्रो आउट करेगा, सिंकिंग करेगा, तो क्या होगा। सो लॉग ऑफ फूड वुड बी प्रिवेंट मी फ्रॉम सिंकिंग इन वॉटर, वो पानी के अंदर सिंक होने से हमको बचाएगा। अ लॉग ऑफ वुड वुड बी हेल्पफुल बिकॉज वुड इज लेस डेंस देन वॉटर, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम होती है, दैट्स वाई वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो हम अगर कोई लकड़ी के सहारे पानी के ऊपर रहेंगे तो हम पानी के अंदर डूब नहीं जाएंगे, तो हम फ्लोट करेंगे, पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सो इट विल बी फ्लोट वेयर्स द स्टोन इज द डेंसर देन वाटर विल सिंक इनसाइड। स्टोन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम्स नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। एक ऐसे कुछ लिस्ट बनाए कि जो आइटम्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, एंड चेक सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। ये आप घर पे भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखना है आपको, सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर प्लास्टिक कप्स वुडन स्पून्स पेपर बॉल्स पेंसिल इटीसी। दे आर ऑन ऑयल एंड केरोसिन एज वेल एज पानी के अलावा वो ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी वो फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ऑयल और केरोसिन से भी कम रहेगी, दैट्स वाई वो वहाँ पे भी वो फ्लोटिंग कर सकती है। तो ये थे हमारे कुछ रिवीजन के रिकैप के क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर आपको रेगुलरली बेस पर अपने होमवर्क के दौर पर अपनी फेयर बुक के अंदर लिखने हैं और उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करके आपको सेंड करने होंगे एज अ होमवर्क। इट इज कंपल्सरी टू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शकता। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट कई सारी चीज़ें होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आपके घर की विंडो के ऊपर अगर कोई मिरर लगा होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, सो आप आर पार देख सकते हो, हमारी कार है तो कार का जो फ्रंट आगे की साइड जो कांच लगा होगा, ग्लास लगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। मोस्टली व्हीकल्स के अंदर जो मिरर का ग्लास का यूज़ होता है सामने की ओर से, तो अंदर ड्राइवर सामने का भी आराम से देख सके, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। सो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपेरेंसी। सो दैट मीन्स जिसमें से लाइट पास आउट हो सकती है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो उसके बेसिस पर कुछ तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लेट लाइट पास थ्रू देम। किस पर से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे, वो कितनी लाइट पास आउट करती है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से, तो उसके बेसिस पर उसकी ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक हम तीन प्रॉपर्टी के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। सो नाउ ऑब्जर्व द इमेज ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो एक प्लास्टिक का एक शीट है जो ट्रांसपेरेंट शीट है, तो मैंने हाथ पर रखी है तो हाथ में से वो
हाथ मेरा उस पर से डायरेक्टली हम देख सकते हैं, यानी कि उस पर लाइट पास होने की वजह से मैं यहाँ पे मेरा हाथ उसके अंदर ट्रांसपेरेंट देख सकता हूँ। सो अभी हम देखेंगे, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखना। तो ये जो इस तरह का कुछ भी मटेरियल जिसके अंदर से हम आर पार देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी मटेरियल। ओके, सेम इट इज कुछ इस तरह से ग्लास कंटेनर, जो वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सो बेस्ड ऑन द मटेरियल्स एबिलिटी टू पास लाइट, वी कैन कैटेगराइज मटेरियल्स एज फर्स्ट कैटेगरी, तीन कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किए। फर्स्ट कैटेगरी होगी ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन सी कम्प्लीटली, उसके आर पार आप कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, कम्प्लीटली आर पार उसके अंदर हम पर्टिकुलर जो थिंग उसके आर पार होगी वो हम देख सकते हो, यानी कि प्लास्टिक शीट और ग्लास है, तो ग्लास के आर पार हम लोग देख सकते हैं। प्लास्टिक शीट अभी मैंने इमेज के अंदर देखा है, उसके अंदर भी हम आर पार देख सकते हैं। सेकेंड, ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन सी पार्शियली, सेकेंड जो कैटेगरी है उसके अंदर पर्टिकुलर नहीं बट कुछ ब्लर दिखेगा, सपोज ऑयल पेपर है, क्लॉथ के पीसीस है, तो उसके अंदर कुछ ब्लर दिखेगा, तो हमको कुछ ब्लर जिस पे दिखाएगा वो भी एक कैटेगरी होगी। और थर्ड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल, उसके आर पर हम कुछ भी नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत भी नहीं देख सकते। ओके, तो ऐसे कुछ भी कैटेगरी, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल है, उसको आप आर पार आप सामने रखकर देखना, सामने के आर पार आप नहीं देख पाओगे। वुडन यानी कि अपना लकड़ी का पैड हो, राइटिंग पैड को हम सामने रखेंगे तो उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे। क्लियर? सो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरीज, जो कैटेगरी के अंदर कंप्लीटली हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वन के अंदर मैंने एक एरो के थ्रू समझाया है, मटेरियल्स दैट अलाउज टू लाइट पास थ्रू देम कम्प्लीटली, कम्प्लीटली उसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके अंदर से वी कैन सी कम्प्लीटली, आर पार हम कम्प्लीटली देख सकते हैं। एज पर सेकेंड कैटेगरी, मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, थोड़ी बहुत लाइट उसके अंदर से पास आउट हो सकती है, यानी कि हम इस तरह के मटेरियल्स जैसे कि जिसमें से थोड़ा बहुत, यानी कि ब्लर कुछ परफेक्टली नहीं बट कुछ ब्लर हमको दिख सके, तो उस तरह से जो कुछ भी मटेरियल उसको हमने सेकंड कैटेगरी के अंदर रखा है। तो ये जो मटेरियल है जिसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है, तो वो मटेरियल को हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। देन एज पर थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर से लाइट टोटली पास नहीं हो पाएगी, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिसके जिस मटेरियल के अंदर से लाइट पास ही नहीं हो पाएगी और जिसके अंदर से हम कुछ भी आर पार नहीं देख पाएंगे, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक। ओके, सो ये जो मटेरियल है जो लाइट पास नहीं करने देगा, उसके अंदर आर पार नहीं दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक मटेरियल। फॉर एन एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी को हम सामने रखकर उसकी सामने की साइड क्या है, उसके पीछे की साइड, ये हम नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ ओपेक। ओके, उसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी। सो ये तीन बे लाइट की पास होने की तीन एबिलिटी की मदद से हमको तीन कैटेगरी मिली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें से लाइट कम्प्लीटली पास हो रही है, ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से लाइट पार्शली यानी कि थोड़ी बहुत पास हो रही है, और थर्ड वन इज दैट ओपेक जिसमें से लाइट पास ही नहीं हो पा रही है। ओके, तो जिस ये तीन अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक हमारे पास तीन अलग प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। सो लेट्स, ये हमने आज पूरे, ये अभी तक हमने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी है। सो लेट्स टेक रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सभी प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स के बारे में हम देखेंगे, उसका एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। विच प्रॉपर्टी ऑफ यूज मटेरियल एनेबल्स अस टू लुक आउटसाइड थ्रू द विंडो क्लियरली? ओके, इसके आंसर क्या आ सकता है? सो द विंडो हैज द एबिलिटी टू पास लाइट थ्रू इट, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, ग्लास लगा होता है और ग्लास टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी का यूज कर हम विंडो के अंदर ग्लास लगाए तो लाइट की पास आउट हो सकती है, उसको हम हर बार देख सकते हैं। हाउ डू सैंड एंड सॉल्ट बिहेव डिफरेंटली इन वाटर?
ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी के अंदर मैंने सैंड डाला और एक एक ग्लास के अंदर मैंने सॉल्ट डाला है, तो उसके अंदर डिफरेंटली वो बिहेवियर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सैंड इज इनसॉल्यूबल, क्योंकि यानी कि पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता है, और वाटर वाई सॉल्ट इज सोल्यूबल, तो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डालेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूबल है, वो पानी के अंदर डिसोल्व हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे उसके बिहेव के अंदर हमको चेंज दिख रहा है। वॉट मटेरियल वुड यू यूज टू मेक विंडोज ऑफ योर हाउस, आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे अपने विंडो बनाने के लिए? सो विंडोज कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक डिपेंडिंग अपॉन नीड, कहीं काफ़ी सारी विंडो के आर पार दिख सकता है, काफ़ी सारी विंडो के आर पार माइनोरी दिख सकता है, काफ़ी सारी विंडो के आसपास ऐसा भी ग्लास हम लगा सकते हैं जिसके अंदर वो ओपेक होगा, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हम उसके इस मटेरियल से हम बना सकते हैं। वॉट मटेरियल वुड यू प्रीफर अ बोट बी मेड ऑफ, बोट बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल प्रीफर करोगे? यस, बोट शुड बी मेड अप ऑफ मटेरियल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर लाइक वुड, जो कुछ भी मटेरियल पानी के पर तैर सकते हैं वो सारे मटेरियल्स में से हम बोट बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वुड में से, लकड़े में से पानी की बोट बनती है क्योंकि वो उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगा, तो पानी पर फ्लोट करने वाले जो कुछ भी मटेरियल्स है उसका हम यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर अ बोट। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.1 एंड 7.2, सो प्लीज ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक एंड ओपन द पेज नंबर 10, द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.1, SP10 के ऊपर 7.1। मिसिस हिंच वॉन्ट्स टू मेक सिक्योरिटी डोर फॉर द हाउस, ओके, हम उसके घर के लिए वो सिक्योरिटी डोर बनाना चाहती है, सो द क्वेश्चन इज दैट वॉट मटेरियल शुड बी यूज टू मेक डोर, एंड सेकेंड क्वेश्चन हाउ विल द डोर मेड ऑफ मटेरियल्स कीप हर हाउस सिक्योर, राइट टू वेज इन विच इट विल हेल्प। द आंसर इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन वॉट मटेरियल शुड बी शी यूज टू मेक द डोर, तो द शी शुड बी यूज मटेरियल दैट इज हार्ड एंड ओपेक, जो एकदम हार्ड होना चाहिए और ओपेक यानी कि उसके आर पार नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी डोर है कि उसके अंदर क्या है वो हमको मालूम नहीं होना चाहिए, ओके, लाइक वुड और आयरन, ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन हाउ विल द डोर मेड अप ऑफ द मटेरियल कीप हर हाउस सिक्योर, राइट टू वेज इन विच इट विल हेल्प, सो द मटेरियल्स हार्डनेस विल नॉट बी ब्रोकन इजिली, ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए कि जिसकी हार्डनेस काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी स्ट्रांग हो और वो इजीली ब्रेक डाउन ना हो सके, एंड इट इज ओपेकनेस विल नॉट अलाउ पीपल टू पीपल इन साइड द हाउस, वो ओपेकनेस होना चाहिए यानी कि पारदर्शक नहीं होना चाहिए, आर पार नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि अंदर की साइड क्या है, कौन है, ओके। सो ये एक दो उसके वे से जो उसके आंसर है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी शॉप नाउ डेज यूज पेपर क्लॉथ्स, पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओके, कई सारी शॉप पर अभी आप देख सकते हो कि पेपर बैग या क्लॉथ की बैग अवेलेबल होती है प्लास्टिक की बैग की जगह पर। डू यू थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, सपोर्ट योर आंसर विथ अ रीजन, यस इट इज अ गुड, आंसर क्या आएगा, यस इट इज अ यूज, इट इज गुड टू यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, बिकॉज प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटेरियल दैट डज नॉट फॉर 100 ईयर्स एंड कलेक्ट्स इन द एनवायरमेंट, ये काफ़ी सारे ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है, सिंपली बात है वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, प्लास्टिक एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, अगर उसकी जगह पर हम पेपर और कॉटन बैग्स का यूज़ करें तो इट इज़ अ गुड स्टेप, ओके। कॉटन क्लॉथ्स एंड पेपर ऑन द अदर हैंड आर मेड ऑफ अ नेचुरल सब्सटेंस एंड रूट इन फ्यू वीक्स ऑन अ मंथ, ओके, दे डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट, जो मैंने अभी बोला वो एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं होगी, ओके। सो आज हम यहाँ तक रखेंगे,
सो आज हमने कौन सी पेज नंबर यूज़ किया है सप्लीमेंट्री बुक, वो भी आप सबको आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। आज हमने सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 9 के ऊपर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 7 के अंदर SB पेज से 9 के अंदर कॉन्सेप्ट टाइम 7 टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, लस्टूरियस, हार्डनेस, टेक्सचर, सोल्यूबिलिटी, एबिलिटी टू सिंक एंड फ्लोट, पानी के ऊपर कैसा बिहेवियर होगा मटेरियल का। देन अदर्स, ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। फर्स्ट, लस्टूरियस यानी कि शाइनी होगा या डल होगा, हार्डनेस हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। टेक्सचर के अंदर हमने देखा रफ टेक्सचर हो सकता है और स्मूथ टेक्सचर भी हो सकता है। सोल्यूबिलिटी के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। एबिलिटी टू सिंक एंड फ्लोट, तो सिंकेबल और फ्लोटेबल, पानी के ऊपर सिंक करेगा तो सिंकेबल, फ्लोट करेगा तो फ्लोटेबल। ओके, देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ये सभी कैटेगरी, सभी जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है वो हमने आज कवर की है, सारी प्रॉपर्टीज एज ए रिविजन भी आज हमने देख ली है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ नए टॉपिक पर जाने वाले हैं, और हमने एक सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 10 भी यूज़ किया है, वो भी मैं आप सबके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 7, पेज नंबर 10 पर, SB 10 पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 7.1 और 7.2 भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो पूरे वीडियो के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे पहले से लेकर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन आंसर ये वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किया, डेफिनेटली आपको एक बार आपकी डायरेक्टली आप अपनी फेयर बुक के अंदर लिख सकते हो, और फेयर बुक के अंदर लिखने के बाद उसके फोटोग्राफ्स क्लिक कर कर एज होमवर्क मुझको सबमिट करना कंपलसरी होगा। ओके, सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।